हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे जनरेट कर सकते हैं। मेरे पास एमएस एक्सेस का 2007 वर्जन है, इस पे हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हमने ओपन कर लिया है। ये हमारे पास एक पहले से डेटाबेस पड़ा हुआ है, इसी को हम ले लेते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और यहाँ एम्प्लॉय की सैलरीज है। तो इसको हम कैसे पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट के फॉर्म में लेके आ सकते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे पाइवोट टेबल व्यू पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट। ओके, तो यहां से आपको एक एक करके इसको ड्रैग करवाना होगा। ठीक है, कैसे ड्रैग करवाएंगे? इसको पकड़ेंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और ड्रैग करते हुए यहाँ पर ले आके इसको रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। देन एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम यहाँ पे रखेंगे हम। देन सैलरी, ठीक है, कोई भी बड़ा रिकॉर्ड भी हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, फायदा क्या है पाइवोट टेबल जब हम लेते हैं तो यहाँ से अपनी सुविधा से यहाँ से ऑल सेटिंग हटा देते हैं। 1 2 3, ये तीन ही एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए तो यहाँ से तीन ही एम्प्लॉय की डिटेल आएगी। ठीक है, यहाँ से सैलरी अगर हमें एक लोगों की देखनी हो, दो लोगों की देखनी हो, चाहे जितनी भी देखनी हो यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि हम कैसे कर सकते हैं बहुत ही इजीली। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसको यहाँ से रो एरिया या कॉलम एरिया में आप लेना चाहते हैं, जैसे भी लेना चाहते हैं वैसे यहाँ से ले भी सकते हैं। चार्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर से मैं दोबारा से इसको लेके आता हूँ और यहाँ से हम चार्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से पाइवोट चार्ट व्यू आ रहा है, तो क्लिक किया हमने। अब यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी को हमने यहाँ रखा। ठीक है, और देन एम्प्लॉय नेम, ठीक है, तो ये एम्प्लॉय के नेम का हिसाब किताब है और ये एम्प्लॉय की सैलरी। तो ये तीनों यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसर्ट हो चुका है और इसके हिसाब से आप पता कर सकते हिसाब किताब है। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पे, ये इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से। अगर सपोज कीजिए आपको सिर्फ सैलरी देखनी हो कि किनकी सैलरी ज्यादा है या कम है, तो यहां से आप जाकर के पाइवोट चार्ट व्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सैलरी पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सैलरी भी यहाँ पे शो हो रही है, सैलरी का एक ग्राफ शो हो रहा है। इसकी वजह से आप ये देख पाएंगे कि ये रेड लाइन जिनकी भी है, ठीक है, वो उनकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरह से आप पाइवोट चार्ट भी क्रिएट करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि पाइवोट चार्ट हम कैसे क्रिएट करा सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको एक्सेल के वीडियोज में मिल जाएगा कि पाइवोट चार्ट क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं जैसे आप एक्सेल में किया करते थे। तो यहाँ से अगर आप बार चार्ट चाहते हैं या फिर कोई और भी चार्ट आपको पसंद है या फिर उस तरीके से आपको इंसर्ट करानी है, तो यहाँ से जैसे पाई चार्ट हो गया तो ये यहाँ से पाई चार्ट ले सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप कोई भी चार्ट यहाँ से ले सकते हैं आप। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अगर कॉलम चार्ट चाहते हैं तो कॉलम चार्ट तो मैंने पहले बना ही रखा है, तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।